दुर्ग के पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल से उफनती शिवनाथ नदी में रविवार की रात बही कार तीसरे दिन बुधवार को नदी के अंदर मिल गई। कार रायपुर की बताई गई है। कार में केवल एक ही युवक सवार था। रेस्क्यू टीम ने नदी में डूबी स्विफ्ट कार को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। कार के अंदर मृत मिले युवक की शिनाख्त उसके परिजनों ने निशांत भंसाली के रूप में की है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने न्यूज टीम को जानकारी कुछ इस प्रकार से। सोमवार को हुई घटना में शिवनाथ नदी पुल से वाहन गिर जाने की सूचना के बाद से पुलिस प्रशासन व एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम लगातार अपनी टीम के साथ नदी में गश्त लगाकर गोताखोरों के सहारे नदी के अंदर खोजबीन करती रही। वहीं 72 घंटे बीत जाने के बाद बुधवार की दोपहर आखिर स्थानीय मछुआरों की मदद से कामयाबी हाथ लगी। नदी में गिरने वाली गाड़ी पुल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाई गई, जिसे स्थानीय मछुआरों द्वारा निशानदेही कर रस्सी की मदद से खींचकर किनारे तक लाया गया और क्रेन के सहारे उसे ऊपर बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार युवक रायपुर निवासी निशांत भंसाली बताया गया है, जो गाड़ी क्रमांक CG04LW1177 से राजनांदगांव से रायपुर की तरफ जा रहा था, जिसके बाद उसका वाहन रविवार की रात शिवनाथ नदी में गिर गया था। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार युवक रायपुर के टिकरापारा का रहने वाला बताया गया है। युवक की गुम होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। रायपुर के परिजन भी नदी पहुंचे। रायपुर टिकरापारा थाने पे पचपेड़ी नाका क्षेत्र के रहने वाले निशांत भंसाली के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज है, जो कि अकाउंटेंट का काम करता था। 3 दिन से चला था रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 दिन से हम एंकर वगैरह जाल रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही थी। कल शाम को हमने डिसाइड किया कि हम महाजाल जो है लगाएंगे। महाजाल पहले से भी 10 दिन पहले हमने खरीदा उसको, फिर महाजाल की मदद से हमने मछुआरों को एकत्रित किया, उनको मोटिवेट किया, और यहाँ पे जो श्याम लीवर है और एक बंसी करके है, उससे मैंने आज सुबह भी जाल जो है उसको फिट कराया और उसमें जो वेक वगैरह डाला, और आज सुबह हम मछुआरों के साथ उतरे हैं और हमें सफलता मिली। अभी तक देखने के लग रहा है कि छोटी गाड़ी है, सिर्फ टैप की लग रही है, बाकी अभी निकलने के बाद ही पता चल पाएगा कौन सी गाड़ी है, लेकिन छोटी ही गाड़ी है। सर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मौजूदगी बिल्कुल लोकेल की है, उनको ज़्यादा पता है, और उन्होंने हमसे जो है साधन की मांग की कि सर अगर हमें वो जाल अगर उपलब्ध कराएं तो हम लोग भी आपके जो है हेल्प में काम कर सकते हैं। तो हमने उसका हेल्प किया है, और कोई भी अपना जो सर्चिंग है या रेस्क्यू है स्थानीय लोगों की हम मदद लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ की परिस्थितियों से हमसे ज़्यादा वाकिफ है, तो उनका हेल्प जैसे भी राहुल वाले में भी जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की, हमने यहाँ भी इनकी मदद दी मछुआरों को, तो हमने इनकी मदद से सफलतापूर्वक जो है सर्चिंग। थैंक यू। डाले जाल के साथ साथ फिर बहे बहाव यानी बहते बहते गए हैं जाल नीचे तक के, फिर जाल जहाँ से फंसा तो फिर वहाँ अंदर जाके डूब के देखे, यहाँ पता चला कि यहाँ ये गाड़ी है, गाड़ी में फंसा है। फिर अंदर जाके वहाँ पर तकरीबन 30 फीट पानी होगा, तकरीबन 30 फीट पानी वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी मिला है। और कितने बजे मिला ये अभी पता चला है? आप लोग लोकल ही थे कि आपके साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी? नहीं, 1 घंटा हुआ हम लोग प्राइवेट गोताखोर हैं, और हमको ऐसी प्राथमिकता नहीं मिला है कि हम आप लोग गोताखोर करके, हम लोग मछुआरे लोग हैं, लेकिन आज तक हमको ऐसा कोई ऐसी बात सामने आई कि आप लोग अपने शर्तों पर गए थे अंदर, कि उनकी वो नहीं, प्रशासन बोले थे कि आप लोगों को मिल जाएगा, आपको इनाम इनाम कुछ मिलेगा आपको, ऐसा करके अब हम लोग 22 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 17-18 आदमी आए।